सरकारी अधिकारियों की कथित तिकड़मबाजियों से आम शहरी अपनी समस्याओं को लेकर किस तरीके का दुख दर्द झेलते हैं, इसका एक हल्का सा नमूना आज कलेक्ट्रेट में देखने को मिला, जहां ज़िले की तहसील घोसी स्थित गांव मुगनमास के बाशिंदे श्री कृष्ण गौंड ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज़िला मजिस्ट्रेट की सेवा में एक अर्जी गुजार कर न्याय की अपील की है। अर्जी की एक कापी उसने बुनकर प्रवक्ता को भी दी है, जिसमें उसने जो कहा है वो आपको हम सुनाते हैं खुद उन्हीं की जबानी। 21/6/2022 में गांव के प्रधान ने फोन करके बुलाए और कहे कि हमको 50,000 रुपया दे दो, और प्रधान जी को नहीं दिए, हमने मना कर दिए, तो प्रधान जी ने कहे कि आपत्ति हो जाएगा, तो हमारे भाई से आपत्ति करवा दिए। हम अपने भाई से पूछे कि ये क्या किए, तो कहेंगे तुम जमीन काहे लिए हो चाचा के लड़के का, इसलिए हम किए हैं। तो हमने भाई आप भी जमीन ले लो, तो वो कहें कि नहीं तुम आगे बढ़ोगे हम नीचे गिरेंगे। तो दोनों भाई लड़ते रहे, हम हाई कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आए, कोई सुनवाई नहीं हुई, इन कंटेम कराए। कंटेम कराने के बाद हमारी 3 नवंबर 2023 को तहसीलदार साहब ने सुन के स्वीकार कर लिए। इसके बाद पैसे की मांग होने लगी, तो 5,000 हम पंकज यादव घोसी इनके टाइप बाबू हैं, इनके माध्यम से दिया गया। किसको? एसडीएम को? नहीं, एसडीएम तहसीलदार साहब को। तो जब 5,000 दे दिए तो वो कहे 19 नवंबर को बुला के हमको 5,000 रुपए वापस कर दिए हैं दिन इतवार को, कहे कि 25,000 दोगे तो तुम्हारा खारिज दाखिल होगा या नहीं तो नहीं होगा। फिर हम पोर्टल पर 19 नवंबर को हम चढ़ा दिए। इसके बाद सियारो साहब को 20 नवंबर को दरखास्त दिए और 20 नवंबर को डीएम साहब के दरखास्त दिए। तो सियारो साहब ने फोन करके कहे कि तहसीलदार साहब कर दीजिए, गरीब आदमी है, इनका स्वीकार कर लिए तो। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर सियारो साहब के आए, फिर सियारो साहब फोन किए, कहे तहसीलदार साहब कर दीजिए। फिर तहसीलदार साहब सुन के कहे कि ठीक है 1 से 2 दिन में कर दूंगा, नहीं किए। फिर 2 दिसंबर को पोर्टल वाला कागज आ गए, तो हमारा खारिज दाखिल निरस्त कर दिए। कहे तहसीलदार साहब की बोआ जोता नहीं जाता है, कब्जा नहीं है, जो कि यही तहसीलदार साहब लिखे हैं कि कब्जा है। हमारे पास ये कागज पड़े हैं कि कब्जा है, नेपाल साहब लिखे हैं कि कब्जा है। तो पैसे नहीं देने पे खारिज दाखिल नहीं हो रहा है क्या? नहीं, पैसे हम नहीं दिए तो इसीलिए हमारा खारिज दाखिल निरस्त कर दिए। फिर जोते जोते फिर डीएम साहब के दरखास्त दिए, पोर्टल पर दरखास्त दिए, गोरखपुर मुख्यमंत्री जनता दरबार में दिए। फिर 14/6 को लखनऊ जनता दरबार में दरखास्त दिए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर इसके बाद हमको गाली भी दिया गया कि भोसड़ी वाले माधर चोद, तो 50,000 दे देते तो तुम्हारी खारिज दाखिल हो जाता है, मुकदमा लड़ना नहीं पड़ गया। कौन गाली दे रहा था? गांव के ही लोग गाली दिए हैं, वो लोग बहुत बड़े हैं, उनका नाम हम गुप्त रख रहे हैं, दबंग टाइप के लोग, वो लोग दबंग टाइप के हैं। और इसके बाद हमने ये बात को हम डीएम साहब की भी सूचना दिए हैं। इसके बाद करके उसके बाद घोसी तहसील में हम 6 लीटर डीजल लेके पहुंचे आत्महत्या करने के लिए। फिर तहसीलदार साहब वहाँ के लोग ने मौके पर छीन लिए माचिस, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे, इसलिए कि हमारा कागज सही है और सही चीज को तहसीलदार साहब घोसी के पैसे नहीं देने पर 25,000 ये गलत काम किया है कि तुम्हारा कब्जा नहीं है, बोआ जोता नहीं गया है। उप जिला अधिकारी के आदेश पर हमारे नायब तहसीलदार अखनगो साहब जाके निरीक्षण किए, गेहूँ बोआ गया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा खारिज दाखिल हो या नहीं, तो हम लोग अपने परिवार सहित हम अपना जान दे देंगे। इस बारी तो माचिस छीन ले गई थी, 21 मार्च को आपकी कोई बचा नहीं पाएगा हमारा पूरा परिवार को।